हेलो वेलकम टू आवर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमी के कंप्लीट क्लासेस में। मेरा नाम रंजीत। तो आज हम चर्चा करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है, इसके प्रकार। जैसा कि मैंने आपको बताया था केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है, उसको आप लेक्चर 3 में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है नीचे, उसको ओपन करके देख सकते हैं। उसमें ग्रेफ आईडी की संरचना क्या है, आद एकक कोष्ठिका क्या होती है, उसको आप उस लिंक की वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार कौन से होते हैं और केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार कौन कौन से हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि केंद्रित एकक कोष्ठिका जो हमारी दी हुई है, केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार। केंद्रित एकक कोष्ठिका तीन प्रकार की होती है। केंद्रित एकक कोष्ठिका तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। जैसे नंबर वन अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, नंबर वन अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, नंबर दो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। नंबर दो में क्या है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। और नंबर तीन है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, जैसा कि लिखा हुआ है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब जिसमें हम चर्चा करेंगे नंबर फर्स्ट अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका पर, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें एक अवयवी कण अवयवीकण जैसे अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, जैसे परमाणु अणु या अथवा आयन हो सकता है, कोणों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त, यानी कोणों में उपस्थित तो होता है उसके बाद, यानी कणों के अतिरिक्त उसके अंत, यानी उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंत केंद्र में उपस्थित होता है, या केंद्र में होता है या केंद्र में उपस्थित होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने घन बनाया, जिसमें क्या दिया है, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें एक अवयवी कण, कितना, एक अवयवी कण परमाणु अणु या अथवा आयन हो सकता है, कोणों में उपस्थित, कहां होता है, कोणों में उपस्थित, जैसे कि कोणों, घन के कोने कितने होते हैं, आठ, तो कोणों में उपस्थित, जिस प्रकार कोणों में उपस्थित है, कोणों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त, जैसे कोणों में उपस्थित कण के अतिरिक्त उसके अंत केंद्र में होता है, कहां होता है, अंत केंद्र, जैसा कि बीच में अंत केंद्र में होता है, क्या अणु हो या परमाणु हो, कहां होता है, उसके अंत केंद्र में, उसे हम कहते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा अणु है या परमाणु हो वो क्या होता है, अंत केंद्र में उपस्थित होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब आप कह सकते हैं ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण अणु परमाणु अथवा आयन कोणों में उपस्थित, जैसा कि कोणों में उपस्थित दिख रहा है आपको, इनके कणों के अतिरिक्त अंत केंद्र में होता है, उसे हम कहते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। हम चर्चा करते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका पर, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो देखो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका हम क्या दिया है, ऐसी एक कोष्ठिका में या ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें कोणों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। तो फलक केंद्रित एक कोष्ठिका में क्या है, ऐसी एक कोष्ठिका में कोणों पर उपस्थित, ऐसी एक कोष्ठिका में जिसमें कोणों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के क्या होता है, केंद्र में। तो प्रत्येक फलक के क्या होता है, केंद्र में, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या
जैसे फलक केंद्रीय के कोष्ठक, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने जैसे बॉक्स बनाया यानी घन, तो घन में जैसे क्या दिया इसमें देखें, ऐसी का कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण, यानी एक जो अवयवी कण है प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे सब केंद्र पर तो होती है, जो परमाणु कण है सभी केंद्र पर होते हैं, उसके अतिरिक्त क्या होता है प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी। तो प्रत्येक फलक, जैसे हमारे इसमें कितने फलक होते हैं, 8, 1, 2, 3, 4, इसके पीछे का 6, यानी टोटल कितने हो जाते हैं 8। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं इसको, इसमें क्या है प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है, अणु या परमाणु तो क्या होता है प्रत्येक फलक के केंद्र पर। जैसे कि एक यहां पर हो, एक यहां पर हो, यहां हो और यहां हो, तो ये क्या हुआ है प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हुआ, प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हुआ। और आप इनको इस प्रकार ला सकते हैं, क्योंकि जो हमारा अणु परमाणु है वो इसी नदी के द्वारा मिला हुआ है। तो क्या हुआ इसमें, एक बार रिपीट करते हैं, जैसे कि फलक केंद्र का कोष्ठिका ऐसी का कोष्ठिका में कोणों पर उपस्थित, जैसे कि कोणों पर उपस्थित है अवयवी कणों के अतिरिक्त, जैसे कि अवयवी कण इसमें दिए हुए हैं, इसके अतिरिक्त एक अवयवी कण, जैसे कि एक अवयवी कण हमारा, जैसे मान लो एक अवयवी कण हमने ये ले लिया, एक अवयवी कण ले लिया, अवयवी कण लेने का प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है, तो प्रत्येक फलक के यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी, यहाँ पर और यहाँ पर भी, तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर हुआ, उसे हम कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब हम चर्चा करते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका पर, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें कोणों पर उपस्थित, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें कोणों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त, अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में भी होता है या केंद्र में होता है, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें कोणों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर होता है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हमने घन बनाया है, हमारा एक घन बनाया हमने, जैसे कि हमने घन बनाया, अब इसमें घन के अनुसार क्या कह रहा है, ऐसी कोष्ठिका में जिसमें कोणों पर उपस्थित, कोणों पर तो उपस्थित है ही है, यानी आठ जो कोने होते हैं घन के उसके कोणों पर उपस्थित होने के पश्चात, कोणों पर उपस्थित होने के पश्चात कहां पर है एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर, जैसे कि फलक दो फलक तीन फलक चार फलक, जैसे चार फलक जो दिए हुए हैं, यानी इसमें दिया क्या है, जैसे इसका विपरीत इधर होगा, इसका विपरीत ये होगा, जैसे ऊपर वाले विपरीत क्या होगा नीचे का, और जैसे लेफ्ट का विपरीत होगा राइट, तो इसमें दिया क्या हुआ है एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में होता है, जैसे कि यहाँ पर हो अवयवी कण तो इसका विपरीत होगा इधर यहाँ पर होगा, अगर अवयवी कण यहाँ पर हो तो इसका विपरीत होगा यहाँ पर, तो यानी विपरीत होता है, क्या होता है एक अवयवी कण। तो आप देख सकते हैं, आप अंत केंद्र की कोष्ठिका में ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें कोणों पर उपस्थित, जैसे कोणों पर उपस्थित है अवयवी कण के अतिरिक्त, यानी अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण, जो हमारा ये अवयवी कण जैसे हमने लिया था, एक अवयवी कण क्या है किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में होता है। अब हम चर्चा करेंगे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, इस पर हम चर्चा करेंगे, और भी इसके पद है जैसे खंड है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अब हम चर्चा करते हैं एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, एक एकक
कोष्टिका में अवयवी करों की संख्या। तो अवयवी करों की संख्या जैसे किस प्रकार होती है, एक कोष्टिका में जैसे हम समझते हैं, जैसे कोई भी क्रिस्टल जालक एकक कोष्टिका के अत्यधिक संख्या से बना होता है, यानी कोई भी क्रिस्टल होता है वो जालक एकक कोष्टिका की अत्यधिक संख्या से बना होता है और प्रत्येक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण परमाणु हो, अणु हो या आयन हो वो रहता है। एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, जैसे कोई भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल का जैसे कोई टुकड़ा हो, कांच का जैसे टुकड़ा होता है, तो क्या है जालक एक, जैसे हमने एक जाल बनाया, जैसे हमने इस प्रकार जाल बना लिया। अब जाल बनाने के साथ क्या हो रहा है, जालक एक कोष्टिका की अत्यधिक संख्या से बना होता है, जैसे हमारा एक कोष्टिका जो हमने बनाई थी, अब इससे अत्यधिक संख्या से बना हुआ, जैसे और भी इसमें जुड़े हों, इधर भी जुड़ा हो, यानी इस प्रकार अत्यधिक संख्या से जुड़े होंगे, जरूरी नहीं है इसमें और भी संख्या से जुड़ा हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार बना हुआ, तो क्या अत्यधिक संख्या से जुड़ा होता है, बना होता है और प्रत्येक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण अब परमाणु अणु अथवा आयन रहता है और प्रत्येक क्या कहा है इसमें और प्रत्येक जालक बिंदु पर जैसे प्रत्येक जालक बिंदु जैसे हमारा ये प्रत्येक जालक है जिस जालक है हमारा एक इसका एक प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण जैसे हमने यहाँ पर एक केंद्र माना एक तो क्या है जालक बिंदु पर एक अवयवी कण परमाणु अणु अथवा आयन वो रहता है। तो यहाँ पर जैसे केंद्र हमने ये बनाया था जालक का, यहाँ पर क्या हुआ अवयवी कण परमाणु हो अणु हो या आयन हो उसमें रहता है, जिसमें हम तीन प्रकार की घनी एकक कोष्ठिका पर चर्चा करेंगे, जिस पर हम क्या करेंगे तीन प्रकार के घनी एकक कोष्ठिका पर चर्चा करेंगे। तो देखिए आगे जैसे नंबर वन में आद घनी एकक कोष्ठिका तो आद घनी एकक कोष्ठिका में क्या है नंबर वन में पॉइंट में आद घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु अथवा आयन आद घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु अथवा आयन केवल कोणों पर होते हैं। क्या होते हैं आद घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु अणु अथवा आयन हो केवल कोणों पर होते हैं। क्या होते हैं कोणों पर जैसे कि जैसे क्या होता है आद घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु अथवा आयन केवल कोणों पर होता है। क्या होता है जैसे हमने एक घन बना लिया घन बनाने के तत्पश्चात जैसे इसमें कहा गया उसके अनुसार हम करेंगे। जैसे हमने घन बनाया तो उसमें क्या है केवल कोणों पर होते हैं। क्या होते हैं घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु और अणु जो होते हैं केवल क्या होते हैं कोणों पर। तो जिस प्रकार हम इसमें दर्शा रहे हैं कोणों पर उपस्थित होते हैं, जैसे घन के कोने होते हैं आठ, तो इस प्रकार यानी आठों कोणों पर अणु परमाणु उपस्थित है। कोने का प्रत्येक परमाणु यानी जो हमारा कोना है कोने के प्रत्येक परमाणु हमारे जो दिए हुए हैं आठ निकटवर्ती एकक कोष्ठिकाओं के सहभाजित होता है। सहभाजित का मतलब जैसे एक कोष्ठिका इसके साथ चारों तरफ हमारी एक कोष्ठिका बनी होगी उसके सहभाजित यानी एक बीच में केंद्र के रूप में होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं जैसे क्या होता है यानी केंद्र के बीच में सहभाजित होता है। अब चार एक कोष्ठिकाएं समान परत में यानी चार जो एक कोष्ठिकाएं होती है हमारी उसकी घनकी क्या होती है एक समान परत में चार एक कोष्ठिकाएं निचली और जो चार एक कोष्ठिकाएं होती है घन की हमारी निचली होती है तथा ऊपरी परत की होती है और चार कैसी होती है ऊपरी परत और चार निचली परत की। अतः एक परमाणु
अणु, जैसे हमारा जो घन का एक परमाणु है अणु है, तथा आयन है का एक बटे आठवां भाग एक विशिष्ट एकक कोशिका से संबंधित होता है। जैसे कि हमारा इसकी जो हमारे परमाणु है, आठ परमाणु हमारे घन के, आठ परमाणु किसके हैं, जैसे कोशिका जो हमारी दी हुई है इसके कितनी है, घन के एक बटे आठ के, तो आठ से हम आठ काटेंगे तो हमारा घन यानी कितना निकलेगा, वन। तो वन यानी एक जो हमारा है वो हमारा घन, घन के यानी कितने हैं आठ, एक बटे आठ परमाणु है वो भी आठ के, तो आठ से आठ काटेगा उसका घन कितना हो जाएगा, वन। तो इस प्रकार हमने जैसे बताया है, अतः एक परमाणु अणु तथा आयन, जैसे हमारा एक परमाणु जो है वो अणु होगा आयन हो, एक बटे आठवां भाग एक विशिष्ट एक कोष्ठिका से संबंधित होता है। जैसे एक जो हमारा विशिष्ट जो हमारा एक जो है, जैसे हमारे जो केंद्र में दिया हुआ है अणु परमाणु, ये सभी केंद्रों से क्या होता है, केंद्र में यानी उपस्थित, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, जैसा कि आप पिक्चर में दिखा रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं, यानी जो भी अणु परमाणु होते हैं सभी के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं, निचली परत पर, ऊपरी परत पर, यानी चार चार उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं, जैसे हमारे जो केंद्र जो हमारा घन होता है उसके, जैसे इनको फलक बोलते क्या होते हैं, जैसे हमारे ये पूरा चार परमाणु से मिलकर बना तो हमारे ये फलक हुआ, चार ये बना हुआ है, चार परमाणु जुड़कर तो ये फलक है, चार से ये बना हुआ तो ये फलक है, तो यानी इस प्रकार उसमें फलक की संख्या आठ होती है। तो आठ घनी एक कोष्ठिका को तीन प्रकार से बांटा गया है। जो आठ घनी एक कोष्ठिका है उसको मुख्यतः कितने प्रकार से बांटा गया है, तीन प्रकार से। तो आइए जैसे समझते हैं, नंबर वन में प्रत्येक छोटा गोला, प्रत्येक छोटा गोला उस स्थिति पर उपस्थित करके केवल केंद्र को निरूपित करता है, इसको निरूपित करता है केवल केंद्र को, उसके वास्तविक आकार को नहीं, उसके वास्तविक आकार को नहीं करता, ऐसी संरचना को विवृत संरचना कहते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे हमने एक घन बना लिया, जैसे कि हमने एक घन बनाया, अब इसमें घन के अनुसार में क्या दिया रहा है, प्रत्येक छोटा गोला, यानी प्रत्येक छोटा गोला, जैसे हमें इसमें घन में कितने गोले होते हैं, आठ, कितने होते हैं गोले, आठ होते हैं, तो आठ गोले घन के, जैसे अणु परमाणु हो या आयन हो, किकड़ों, तो क्या कर रहा है, प्रत्येक छोटा गोला, जैसे प्रत्येक छोटा गोले दिए हुए हैं उस स्थिति पर उपस्थित करके, यानी उस स्थिति पर अपनी अपनी स्थिति पर उपस्थित है, उपस्थित करके केवल केंद्र को निरूपित करता है, किसको, केवल केंद्र को, जैसे अपने अपने केंद्र पर है सभी जो अणु परमाणु है वो क्या है, अपने अपने केंद्र पर उपस्थित है, निरूपित करता है उसके वास्तविक आकार को नहीं, जो इसका आकार दिया हुआ है घन को, बल्कि इसको नहीं करता, यह केवल अपने केंद्र को निरूपित करता है, ऐसी संरचना को विवृत संरचना कहते हैं। तो हमारी इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, विवृत संरचना। अब हम समझते हैं खास, जैसे कि अगला टॉपिक, एका कोष्ठिका के दिग्स्थान भराव निरूपण को कणों के वास्तविक आकार के साथ चित्रित करता है। जैसा कि इसमें क्या दिया है, एकक कोष्ठिका के द्विक स्थान, जैसा कि द्विक स्थान, जैसे हमने गोले बना लिए, हमने क्या बना लिए, गोले बना लिए, जैसे हमने गोले बनाए, अब इसमें क्या है, द्विक स्थान, जैसे एक का स्थान ये दूसरा दूसरे से जुड़ा हुआ है, भराव यानी इनको भर दिया, यानी एक दूसरे से जुड़े हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भराव है, निरूपण को कणों के वास्तविक आकार के साथ चित्रित करता है, वास्तविक आकार के साथ चित्रित करता है। जैसे मैं कह रहा हूं द्विक स्थान, तो अधिक करके क्या होंगे, द्विक स्थान होंगे, जैसा कि इसका द्विक स्थान हो, इसका भी द्विक स्थान हो, इसका भी द्विक स्थान हो, इसका भी हो, इसका, जैसे इसका द्विक स्थान, यानी इस प्रकार इनके सभी के स्थान कैसे होंगे, द्विक, द्विक मतलब यानी दो दो स्थान सभी के होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, एक कोशिका के द्विक स्थान बड़ा निरूपण कर, जो हमारे वास्तविक आकार के साथ चित्रित हैं, या हमारे क्या है, वास्तविक आकार के साथ चित्रित, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने गोला बनाया, इस गोले को दूसरे जोड़ गोले से जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया, तो इसमें पूरा भरा होना चाहिए, मतलब सेम सभी कर एक दूसरे से मिले होने चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं,
इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं द्विक स्थान बराबर। अब हम चर्चा करते हैं अगले टॉपिक पर, जैसा नंबर 3 गा। गा में जैसे क्या दिया हुआ है, अब जैसे हम चर्चा करते हैं गा नंबर गा पर, इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि एक गणी कोष्ठिका में, एक गणी कोष्ठिका में, जैसे हमने एक घन बनाया ये गणी कोष्ठिका में, ये गणी कोष्ठिका में, जैसे हमने घन बना लिया, उसमें कह रहा है एक गणी कोष्ठिका में उपस्थित विभिन्न, उपस्थित विभिन्न, विभिन्न का मतलब अलग अलग परमाणुओं के वास्तविक भागों, परमाणुओं के वास्तविक भागों को निरूपित करता, क्या करता है, निरूप, जैसे कि कुल मिलाकर गैस, इसको काट देना, जैसे कि कुल मिलाकर प्रत्येक गणी एकक कोष्ठिका में उसके कोणों पर 8 परमाणु, कितने परमाणु, 8 परमाणु है, यानी परमाणु क्या है यहाँ पर, यानी प्रत्येक कोष्ठिका पर क्या है, 8 परमाणु है, कितने परमाणु है, 8 परमाणु है। अतः एक एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 8 इंटू 1/8 बराबर कितनी होगी, 1 परमाणु होगी, जैसे कि 8 से 8 कटेगा तो क्या बचेगा, 1। तो इस प्रकार यानी टोटल घन वाली जो हमारा घन दिया हुआ है, घनी कोष्ठिका दी हुई है, इसकी टोटल परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कितनी परमाणु संख्या होगी, 1 होगी। जैसे कि आप इसको पूर्ण रूप से पिक में देख सकते हैं, जैसा कि ऊपर दिखाई गई हुई है, तो जैसे आप थोड़ा और जैसे समझना चाहें तो इस प्रकार समझेंगे, ये गणी कोष्ठिका में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के, यानी उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के, जैसे हमने अणु ये ले लिया, इसके विभिन्न परमाणु होंगे, क्या होंगे, इसके विभिन्न परमाणु, जैसे कि इस प्रकार इसके विभिन्न परमाणु हो एक कोष्ठिका के, तो टोटल भाग कितना है हमारे, 1 का, 1 का भाग है टोटल हमारा उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के वास्तविक भागों को निरूपित करता है, जो हमारे ये भाग दिए हुए हैं ये वास्तविक भागों क्या करता है, निरूपण, निरूपण कर रहा है, क्या कर रहा है, एक परमाणु दिया हुआ है इसको, इनको सभी को दर्शा रहा है, निरूपण करता है, जैसे कि कुल मिलाकर प्रत्येक गणी एक कोष्ठिका में उसके कोणों पर 8 परमाणु है, तो प्रत्येक गणी के कोष्ठिका, जैसे इसकी गणी के कोष्ठिका ली जाए अलग बनाई जाए, तो प्रत्येक गणी के कोष्ठिका में परमाणु कितने होंगे, 8 होंगे, जैसे मतलब इसकी प्रत्येक गणी कोष्ठिका बनाई जाए, जैसे अलग गणी का कोष्ठिका बनाई जाए, गणी का कोष्ठिका प्रत्येक बनाई जाए, प्रत्येक मतलब यानी अलग अलग, तो उसके परमाणु कितने होंगे टोटल, 8 परमाणु होंगे, कितने परमाणु होंगे, 8, यानी प्रत्येक गणी कोष्ठिका में कितने परमाणु होंगे, 8, तो इस प्रकार यानी अलग भी बनाया जाए तो उसमें भी 8 परमाणु होंगे। अतः एक एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 परमाणु होगी। मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लेक्चरों के बारे में जान सकते हैं, यानी आप जब शुरुआत से दोस्त अवस्था के बारे में जानेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।